यदि आप एक वाटर पंप मोटर को टू फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, एक फ्लोट स्विच हमें ओवरहेड टैंक में इंस्टॉल करना है, सेकंड फ्लोट स्विच अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल करना है, वर्किंग किस तरह से रहेगी? देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका ओवरहेड टैंक में वाटर का लेवल कम होगा तो आपकी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ही आपका ओवरहेड टैंक पूरी तरह से भर जाता है, मोटर ने ऑटोमेटिकली स्टॉप होना चाहिए। जैसे ही टैंक खाली होगा, मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। जैसे ही टैंक भर जाएगा, मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी। अब अंडरग्राउंड टैंक में क्या रहेगा? जब तक अंडरग्राउंड टैंक में पानी रहेगा, तब तक क्या रहेगा? फ्लोट स्विच ऊपर रहेगा। जैसे ही टैंक खाली होता है, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही आपके अंडरग्राउंड टैंक में पानी आएगा, मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स मोटर आपके खाली नहीं चलेगी, मोटर तभी स्टार्ट होगी जब अंडरग्राउंड टैंक में पानी होगा।